कैसे हो आप सब। और आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ में दाल मखनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही बटरी और यम्मी दाल मखनी हम बनाने वाले हैं। तो चलिए आइए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मसाले हैं, जिसमें है रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टी स्पून, गरम मसाला 2 टी स्पून, जीरा पाउडर 2 टी स्पून एंड ग्रीन वाला कोरिएंडर पाउडर जो आता है वो 2 टी स्पून और 2 टेबल स्पून सॉल्ट। इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, अनियन 1 मीडियम साइज की, 4 टमाटोज मीडियम साइज के, और इसमें मैंने ग्रीन चिली चॉप करके डाली है। दूसरा हमने इसमें यहाँ पर बॉईल हो रहा है हमारे उड़द, ब्लैक वाले जो उड़द होते हैं वो होल, और उसके साथ थोड़ा सा राजमा, ये मैंने लिया है अप्रॉक्स हाफ केजी से थोड़ा सा कम है। और इसमें हमने ऐड किया है हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली और सॉल्ट ऐड करके हम इसको बॉईल कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना मसाला रेडी कर लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड किया है हमने। ऑयल ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड करनी है, थोड़ा हॉट हो गया है ऑयल, अब हमें इसमें ऐड करनी है अपनी चॉप्ड अनियंस। अनियंस को थोड़ा सॉटे होने तक, इसको थोड़ा पिंक हो जाए, हल्की सी ट्रांसपेरेंट, उस तक इसको हम भून लेंगे। हमें इसे गोल्डन, बिल्कुल ऐसा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। अभी देखिए परफेक्ट हो गई है अनियन हमारी। अब हमें इसमें ऐड करना है अपना जो हमने प्यूरी बनाई है, टमेटो और ये चॉप्ड अनियन। Now give it a nice mix. और एक बात और, अगर आप इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करना चाहते हो तो इसमें जिंजर गार्लिक भी आप अनियन के बाद में ऐड कर सकते हो, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इस पॉइंट पे आके हमको इसमें अपने मसाले ऐड करने हैं जो हमने निकाल कर रखे हुए हैं। ये हैं मसाले जो मैंने आप लोगों को दिखाए, मसाले मैं ऐड कर दूंगी इसमें, मसालों को मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया इसमें। भून लेंगे पानी डाल के थोड़ी देर से, 15 मिनट वाटर डाल के इस मसाले को हमें भूनना है। बार बार इसका जो वाटर है वो ड्राई हो जाएगा, आपको बार बार उसको ऐड करना पड़ेगा, और इसको भून लीजिए अच्छे से। जितना मसाला आप भूनेंगे उतनी टेस्टी ही दाल मखनी रेडी होती है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी देसी बटर, और घी के बिना दाल मखनी अधूरी है, इसलिए हमें इस पॉइंट पे हम देसी घी ऐड कर लेंगे, ताकि जो मसालों के साथ है इसकी खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाती है अगर आप पहले से ऐड कर लो तो। उतना तब नहीं हो पाता जब हम ऊपर से डालते हैं, वो टेस्ट नहीं आता है जो मसालों के साथ में ऐड करने से आता है। करीब मैंने इसमें घी ऐड किया है, तरीके से मसाले को भून लेंगे जब तक ये दानेदार टाइप मसाला नहीं हो जाता, तब तक इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हमारे उड़द एंड राजमा है, ये अभी पूरी तरीके से कुक नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, ये जो मसाला है हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये एक इजी पीजी सी रेसिपी है जो जल्दी से आप बना सकते हो। इसमें हम अपना मसाला ऐड करेंगे और उसके बाद इसको 2-3 विसल और दे के इसको कुक कर लेंगे। चलिए आइए मसाले को ऐड करते हैं।
मसाला ऐड कर लिया, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। अब हम इसको इसके साथ मसाले के साथ कुक करेंगे, तो जो इसका मसाले का फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से दाल में और राजमे में सब में फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। और इसमें एक चीज़ मैं और करूँगी, इसमें मैं पहले थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी। चलिए आइए, इसमें बटर अराउंड हाफ पोर्शन बटर का हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ये देखिए इतना बटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब दाल मखनी में बटर ना हो तो फिर दाल मखनी कैसी है, तो हम इसमें बटर को ऐड कर लेंगे। अगर आप इसमें बटर ऐड करके पकाओगे ना तो जो फ्लेवर्स हैं आपके वो सब इसमें आ जाएंगे। जितना आप ऊपर से डाल के खाते हो उसमें टेस्ट नहीं आता, इतना इसको साथ में कुक करने से टेस्ट आ जाता है। बहुत यम्मी दाल मखनी रेडी होती है। चलिए ठीक है, रेडी हो रही है, जब तक हम अपना तड़का रेडी करते हैं। इसमें हमने लिया है बटर और देसी घी, 1 टेबलस्पून देसी घी एंड बटर। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम थोड़ी सी रेड चिल्ली ऊपर से डालेंगे। और हाँ, ये जो रेसिपी है थोड़ी स्पाइसी है, अगर आपको स्पाइसी कम खाना पसंद है तो आप दाल में जो रेड चिल्ली का पाउडर है उसको 1 टेबलस्पून कर सकते हो 2 टेबलस्पून की जगह। और यहाँ पर भी आप 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली ले सकते हो, इससे दाल में कलर आता है। या फिर आप इसमें दूसरी जो मिर्ची होती है जो कलर के लिए, कश्मीरी मिर्ची, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसमें रेड चिल्ली ऐड करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, बढ़िया सी दाल बनके यम्मी सी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें क्या करना है, गैस हमने कर दिया है ऑफ, और अब हमें इसमें डालना है फ्रेश क्रीम। सो अमूल फ्रेश क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम मैं ऐड कर लूँगी 1/2, और बचा के भी रखेंगे हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए। इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए, इससे हमारे दाल का टेक्सचर और कलर दोनों चेंज हो जाएंगे। क्रीमी सी, बटरी सी, दाल मखनी का नाम ही मखनी है, मीन्स क्रीमी एंड बटरी। ये वाली दाल आप ट्राई करोगे तो रेस्टोरेंट वाली दाल आपको पसंद ही नहीं आएगी फिर कभी। ये हमारी क्रीमी सी दाल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा तड़का जो हमने बना के रखा था। तो फ्रेंड्स, अब इस दाल में मैं ऐड करूंगी तड़का जो हमने रेडी कर दिया था। इसको हमने हल्का सा गर्म कर लिया है, इसको हम करेंगे ऐड। देख सकते हो आप कलर इसका कितना अच्छा आ गया है। अब इसमें मैंने थोड़े से चॉप करियंडर रखे हैं अपने पास, वो ऐड करेंगे। थोड़ा चॉप करियंडर ऐड कर लीजिए। लिटिल बिट ऑफ क्रीम फॉर गार्निशिंग। ये देखिए हमारी बढ़िया सी दाल।